The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar Adab Satriya Kal hu Doctor hain Doctor Education. अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है अगर आपको कभी ऐसा लगा है या लगता है कि सांस नहीं आ पा रही एकदम से बैठना पड़ेगा रात को सोते हुए घबराहट हो रही है एंक्शस लग रहा है आप या तो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं बेहोश से हो रहे हैं या फिर आपको सिर्फ चक्कर आ रहे हैं कभी बुखार हुआ है खांसी हुई है उल्टी हुई है या फिर भी बिना किसी कारण के ही सांस फूल रही है बुखार के साथ भी फूल रखती है या फिर आपका हाथ पैर उंगलियां या फिर लिप्स जो है वो नीले पड़ रहे हैं हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं छाती जो है अलग ही मूव कर रही है या मूव ही नहीं कर रही है या फिर सांस में आवाजें आ रही हैं वीजिंग वीजिंग साउंड आ रहा है विस्लिंग साउंड आ रहा है गर्गलिंग साउंड आ रहा है या फिर आप आवा बोल नहीं पा रहे या बोलने में मुश्किल हो रही है सांस लेने के साथ या खांसी में ब्लड आ जाए या फिर केवल बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है धड़कन बढ़ रही है पसीना आ रहा है तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को दर्शा सकती हैं तो मतलब आपके लंग्स में या आपके हार्ट में या आपके ब्रीदिंग पैरट सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है ये सिचुएशन खतरनाक भी हो सकती है जानलेवा भी हो सकती है और ऐसे में उस पेशेंट को उस पर्सन को खुद को या उस पेशेंट को बचाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है डायग्नोसिस की आवश्यकता है आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे सिचुएशन में उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी चोकिंग हो रहा है उसको फर्स्ट एड आप क्या कर सकते हो घर पे या जहां पर भी पेशेंट हो और उसके कारण भी बताएंगे और आपको ज्ञान देंगे प्रॉपर मेडिकल तरीके से प्रॉपर इलाज सो याद रखिए ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत ज्यादा कॉमन है और हम जो सांस लेते हैं उसको बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ब्रीदिंग डिफिकल्टी में और टेक्निकली ब्रीदिंग डिफिकल्टी एवन सिर्फ इतना कि थोड़ी सी ब्रेथ शॉर्ट हो रही है इसे लेके ऐसा हो सकता है कि आपकी एक आपके अंदर हवा जा ही नहीं रही है एकदम चोक हो रहे हैं वैसा भी फीलिंग हो सकती है और पर्सन बेहोश हो के अनकॉन्शियस हो सकता है डायरेक्ट डेथ हो सकती है अगर ब्रीदिंग बंद हो जाए तो सो डेंजरस सिचुएशन और अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ मेडिकल इमरजेंसी पहला रूल एक्सेप्शन है एक अगर आप थोड़ा सा थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करने में एक्सरसाइज करने में तो उसको हम ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं बोलेंगे चोकिंग सांस ही नहीं आ रही। That is an emergency. अब ये क्यों होगा इसके कारण क्या है There are many reasons, सबसे कॉमन इंडिया के अंदर फीमेल्स में एनीमिया खून की कमी अस्थमा अस्थमा है सांस की नली सुखड़ गई एनीमिया है खून की कमी है ऑक्सीजन शरीर में फैलाने के लिए चीज ही नहीं है ऑक्सीजन फैलाने के लिए एनीमिया खून में और आई खून में नहीं हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो वो प्रॉब्लम स्मोकिंग कर करके या हुक्का पी पी के या, या तंबाकू खा खा के टीबी हो के अपना फेफड़ा खराब कर लिया है उसको बोलते हैं सीओपीडी जिसको एम क्रोनिक ब्रंकाइटिस भी कहते हैं हार्ट की बीमारी हो हार्ट फेलियर हो तो ये इमरजेंसी है लंग में लंग्स में कैंसर हो जाए तो भी सांस फूलेगा या साथी में इंफेक्शन हो चाहे कोरोना हो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे दूसरा कोई वायरस हो एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो वुपिंग uh, कफ हो क्रफ हो कुछ भी हो ये सारी एक तरीके से इमरजेंसी बन जाती है इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ों में भी हो सकता है छोटी मोटी चीजें फॉर एग्जाम्पल आप हायर एल्टीट्यूड में जा रहे हैं पर्वत पे चढ़ रहे हैं तो भी सांस फूलेगा आपके आप पानी में डुबकी मार रहे हैं किसी किसी को सांस फूल सकता है एनजाइटी है घबराहट है सांस फूल सकता है लेकिन याद रखिए डेंजरस चीज भी हो सकती है डेंजरस चीज में खून का क्लॉट हो सकता है जो लंग में जाके फंस जाए जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं डेंजरस तुरंत जान जा सकती है एक लंग कोलैप्स हो सकता है चोट लगने के बाद इंजरी हो लंग कोलैप्स हो जाए निमोथोरैक्स हो जाए सांस फूलने लग जाएगी तुरंत उसमें उसके हवा निकालने की जरूरत है वरना मर सकता है पेशेंट हार्ट अटैक में सांस फूल सकता है गले में छाती में लंग्स में इंजरी कहीं भी हो जाए प्रॉब्लम है हार्ट के आसपास पानी आ जाए तो भी सांस फूलेगा लंग्स के आसपास पानी आ जाए तो भी सांस फूलेगा कोई खासकर एलर्जिक रिएक्शन एनाफेलेक्टिक शॉक टाइप हो जाए तो भी सांस फूलेगा कोई पानी में डूब जाए तो भी सांस फूलेगा छाती में पूरा लंग्स में पूरा पानी भर जाएगा सो ये सारी चीजें डेंजरस है और सारे में हमने जो पहले बताए वही सारे लक्षण होंगे तो आप कैसे बचाओगे क्या फर्स्ट एड करोगे अगर पर्सन ब्रीदिंग डिफिकल्टी है सबसे पहला अस्पताल अस्पताल जाने की तैयारी पहले दिमाग में रख लो यू हैव टू कॉल फॉर हेल्प किसी को कहो एम्बुलेंस बुलाए या जो भी है सांस फूलना डेंजरस है अनलेस अनेटिक पेशेंट है और पंप ट्राई कर रहे हो दूसरा कोई पेशेंट है पता नहीं क्यों हुआ डोंट वेस्ट टाइम जाके वापस आ सकते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है पर जाने में देरी मत करो और अगर पेशेंट बेहोश हो गया है तब तो भी एक सेकंड वेस्ट नहीं करना पानी गलती से नहीं पिलाना और उसका एयरवे चेक करो मुंह में कुछ फंसा तो नहीं है ब्रीदिंग हो रही है नहीं हो रही है पल्स मिल रही है नहीं मिल रही है पल्स नहीं समझ आती है छाती में जहां हार्ट है लेफ्ट साइड में कान लगा के चेक करो ठीक है अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा ब्रीदिंग नहीं दिख रही धड़कन नहीं मिल रही सीधा छाती में मिड यहाँ पर अपने हाथ का ये हिस्सा रख के एक के ऊपर एक रख के दबाना शुरू कर दो सी शुरू कर दो और किसी को बुलाओ टाइट कपड़े हैं तो टाइट कपड़े ढीले करो पेशेंट के पर्सन को अगर और ढूंढो कि अगर कोई कारण समझ में आता है इनमें से कि यही कारण है अस्थमा वाला पेशेंट है इसका पंप लेकर आओ पेशेंट को कोरोना है ऑक्सीजन लाओ या अस्पताल चलो ऐसी चीजें आपको मॉनिटर करना है कंटिन्यूसली कि सांस फूल रही ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं हो रही है अगर सीपीआर का जरूरत नहीं है तो कॉन्स्टेंटली देखो पेशेंट ब्रीद कर रहा है नहीं कर रहा है दिक्कत बढ़ रही है क्या हो रहा है अगर पेशेंट बोल नहीं रहा तो अज्यूम करो कि पेशेंट की दिक्कत हो सकता है बढ़ जाए सांस में आवाज आ रही है। मतलब सांस की नली रही है ये डेंजरस चीज है कोई अगर चोट लगी है छाती में मान लो किसी को तो घाव ढूंढो कहीं कोई ओपन वूंड नहीं है कभी कभी ऐसा होता है छाती में फूक जाता है हर बार सांस लेने में हवा और अंदर घुसती जाती है घुसती जाती है घुसती जाती है लंग्स को दबाती रहती है पहले उसको ऊपर से बंद कर सकते हो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट और कभी कभी ये इसको बोलते हैं सकिंग चेस्ट वूंड इससे कोलैप्स हो जाता है लंग इसमें बैंडेज लगा दो प्लास्टिक रैप लगा दो प्लास्टिक प्लास्टिक रैप या प्लास्टिक बैग लगा दो आप यहाँ पे अगर कोई सकिंग है वहां पर ऐसे में पेशेंट की जान बच सकती है उस गॉज को गॉज पीस है रुई है रुई को पेट्रोलियम जेली से कवर कर लो उसको सील कर दो ताकि हवा ना घुसे बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, है नहीं कुछ समझ आ रहा हाथ रख दो समझे क्या नहीं करना कुछ खाने पीने को नहीं देना ना खाने को ना पीने को गलती से भी नहीं देना ऐसे पेशेंट जिसको सांस फूल रही है सीधा सांस की नली में जाएगा और दिक्कत बढ़ जाएगी जिसको निमोनिया नहीं है उसको निमोनिया हो जाएगा एस्पिरेशन निमोनिया और अगर कोई इंजरी है कोई ऐसी चीज़ है जो दिक्कत कर रही है कोई इंजरी हुई है तो उस इस इंजरी साइड से हटा लो कोई पर्सन गलत एंगल में तो उसको उसका एंगल सही करो उसके गर्दन के नीचे एक तकिया रखो और अगर कोई मेडिकल हेल्प आ रही है नहीं आ रही है उसको अरेंज करो उसको जरूर चेक करो डॉक्टर क्या करेगा आपसे अगर आप इतना हैवी सिचुएशन नहीं है सीपीआर वाली सिचुएशन नहीं है तो आपसे पूरी चीज़ें पूछेंगे हिस्ट्री खून का खांसी में बलगम में खांसी में खून तो नहीं आया कोई सर्दी खांसी बुखार तो नहीं है कहीं तीन चार छः हफ़्तों से कई हफ़्तों से खांसी तो नहीं है टीबी तो नहीं है कहीं एकदम कुछ दिनों में कुछ महीनों में वजन तो नहीं कम हुआ कि कैंसर हो और रात को एकदम सीधा लेटते हो तो सांस फूलता है पैरों में सूजन है तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है और Uh, अगर आप ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो चलने फिरने पे तो हार्ट लंग कुछ भी हो सकता है खून की कमी किडनी की प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है इसमें तो याद रखिए ऐसी सिचुएशंस में प्रिवेंशन इज द बेस्ट प्रिवेंशन में याद रखिए अगर आपको मान लो एस्तमा है तो अपना पंप अपने पास रखो किसी भी डस्ट टाइप चीजों से दूर रहो एलर्जी है तो एलर्जी वाली चीजों से दूर रहो अपना एपीनेफ्रिन का पेन अपने पास रखो जो एंटी एलर्जिक आता है और सिगरेट बीड़ी तंबाकू मत पियो दारू मत पियो अपनी हेल्दी लाइफ जियो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फेक्शंस है तो डॉक्टर के पास जाओ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उल्टे सीधे खाने चीजी चीज़ ना खाएं ट्रैवलिंग में लंबा ट्रैवल है तो पैर हिलाते रहें कि खून का क्लॉट ना बन जाए और कोई भी डाउट हो तो डॉक्टर से बात करो ओवरवेट हो तो वजन कम करो क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ा देता है दिक्कत हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा देता है